बड़ी खबर देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। चुनाव नजदीक है और ऐसे में आया राम गया राम की राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के करनाल के नेता बिंदर सिंह मान, आप देख सकते हैं बिंदर मान बला अपनी टीम के साथ, अपने कई समर्थकों के साथ जो है आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय कर चुके हैं। क्यों आखिरकार ऐसा हुआ है ये इन्हीं से जानना चाहेंगे। इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से बिंदर मान जो बला गांव के रहने वाले हैं, असन से उम्मीदवार प्रत्याशी भी थे, कहीं ना कहीं अपने आप को एमएलए लड़ने के लिए जो है पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहले कांग्रेस में रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम कांग्रेसी नेताओं के काफी नजदीकी रहे हैं, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन अब आप देख सकते हैं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ क्यों आखिरकार आम आदमी पार्टी को अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी टीम के साथ इस समय यहां पर मौजूद है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि चर्चाएं हैं कि शायद अपने पुराने परिवार यानी कि कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहते हैं नहीं कहते जानेंगे इनसे। बिंदर मान बला हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों आखिरकार आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया, हरियाणा में चुनाव नजदीक है, क्या इसलिए किया आपने? हम जब इस पार्टी में गए थे हम लोग सोचते रहे थे भाई ये देश का भला करेगी नई पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब ढोसले और वो है इसमें तो नाराजगी क्यों है आम आदमी पार्टी से? इसमें कदर नहीं है। तो मान सम्मान तो मिला आपको, पद भी मिला, क्या पद मिला था आपको? मेरे को मिला था जी हरियाणा का स्टेट का उप प्रधान व व्यापार मंडल का। तो किस चीज को लेकर आपने छोड़ी पार्टी? जो साथी थे ना उनके काम नहीं हो रहे थे, जैसे दिल्ली में पंजाब में जो सरकार है तो हमारे पास ही आओ आदमी भाई आपकी सरकार है ये काम करा दो, बीच में तो हरियाणा है, आधा हरियाणा पंजाब में रहता है आधा दिल्ली में रहता है, इस वजह किसी एक काम नहीं हो रहे थे, उस वजह से हमने अलविदा कर दिया। तो अब प्रदेश अध्यक्ष से आपने भेजा है इस्तीफा उनको? इस्तीफा भेज दिया। तो प्रदेश अध्यक्ष से तो आपकी नज़दीकी थी, गुप्ता जी आपके घर भी आए हुए हैं, लेकिन क्यों आखिरकार उनसे भी नाराजगी, क्या उन्होंने समझाने की कोशिश की आपको? ऐसे है अपनी कमेटी को चढ़ाना चाहते हैं ज्यादातर। कौन ऐसा करते हैं? ये गुप्ता जी भी आ लिए और एक दो नेता हो रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कम्युनिटी तो जातिवाद तो ये बिल्कुल पार्टी करती भी नहीं है, इनका कहना ये है कि हम जातिवाद से तो अलग हटके राजनीति करते हैं, साफ स्वच्छ छवि की राजनीति करते हैं। जितने बड़े बड़े पदों पे है ना आप पहला पूरी नजर मार लो, दूरते दूरते ही दिल्ली में मार लो, पंजाब में मार लो, हरियाणा में मार लो, फिर मेरे को कहना। तो आप देख सकते हैं कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र कल्याण है ये भी इनके साथ आम आदमी पार्टी में जो है शामिल हुए थे, लेकिन आज टाटा बाय बाय कर दिया आम आदमी पार्टी को। चुनाव नजदीक है, ऐसे में आया राम गया राम की राजनीति शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या चुनाव नजदीक है, आया राम गया राम की राजनीति से आप भलीभूत अच्छी तरह से परिचित होंगे, क्या उसी को लेकर आप जो है पार्टी छोड़कर अब दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं? सर नमस्कार, पहले तो आपको ऐसे सर देखो पार्टियां और इलेक्शन तो होते जाते रहेंगे, जो चीज़ हम लेके चले थे ना भाई ये अन्ना हजारे जी के उससे निकली हुई पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं पाया गया। वो इसलिए नहीं पाया गया, देखो दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया जी अगर वो भ्रष्टाचार नहीं होते तो आज जेल में ना होते, ठीक है जी। लेकिन जो इनके बड़े नेता हैं जो जैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी का आम जो वर्कर है हमारे जैसा, उनके साथ ये अन्याय करते हैं। अन्याय कैसे करते हैं कि जैसे मान लो हमारे को फ़ोन कर दिया भाई हम आएंगे, हमारा ब्योत नहीं है, मान लो हम सेवा कर रहे हैं पार्टी की, लेकिन जो दूसरा अच्छा जिसके पास अच्छा पैसा है उसके पास जाके ठहरेंगे होटल में। जब आप आम आदमी पार्टी का नाम दे रहे हो भाई आम आदमी है ये, तो यार उसके घर रुको, उसकी सादी रोटी खाओ, ये चीज़ें इनके अंदर नहीं है। और जैसे गुटबाजी इतनी ज़्यादा है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। पहले ही इन्होंने टिकटें बांट दी लोगों को, भाई मैं तेरे को वहाँ से टिकट दूंगा, किसी को बांटी, किस पे आप आरोप लगा रहे हैं ऐसे? आरोप बड़े नेता हैं जो सर किस किस का नाम ले, वो तो कहते हैं हम ऐसा कुछ नहीं करते। नहीं सब झूठी बातें हैं जी, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। हम सोच रहे थे कि देशभक्त का जैसे नाम इन्होंने दिया, बाबा साहब का नाम दे दिया, शहीद भगत जी का नाम दे दिया, उनको सिर्फ ये यूज कर रहे हैं सर। तो बिंदर मान बला है आप देख सकते हैं, क्या आप असन से चुनाव लड़ना चाहते हैं? 100% लड़ना चाहते हैं। क्या इसीलिए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था? हाँ, लेकिन अब टिकट लगता है आपको नहीं मिलेगी इसलिए छोड़ रहे हैं? ना, फिर विचार ठीक नहीं है। किस तरह के विचार ठीक नहीं है इनके? इसके विचार ठीक नहीं है ये क्यों अपनी कमेटी में उनको बढ़ाना चाहते हैं, हो रहा तो नहीं 36 बरादरी को नहीं ये सोच रहे भाई लेटे जो चलेंगे हम ये करेंगे ऐसे कोई। अपनी कम्युनिटी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं बार बार? नहीं बस यही आपस में आप समझदार हो
पत्रकार बंधु तो सारे कांग्रेस में आप क्या दोबारा अपने पुराने परिवार में शामिल हो सकते हैं? वो तो मैं साथियों के साथ बतलाया के सारा डिस्चीज करके उसके बाद। कांग्रेस भी अब अलग अलग है, गुटबाजी तो वहाँ भी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ काफी लोग हैं, कुमारी शैलजा के साथ काफी लोग हैं, किरण चौधरी जी के साथ काफी लोग हैं, रणदीप सुरजेवाला के साथ काफी लोग हैं, चार जगह है, चार उंगलियां हैं, तो चारों उंगलियों में से किसकी उंगली पकड़ेंगे आप? जो साथी के देने वहीं पर सलाह करके उस टाइम करेंगे। तो एक और आम आदमी पार्टी के टीम के इनके सदस्य हैं, आपको क्या पोस्ट मिली थी आम आदमी पार्टी में जो आज आप आम आदमी पार्टी को अलविदा कर रहे हैं? सर मैं उत्तरी जोन एसी सेल से वाइस प्रेसिडेंट था आम आदमी पार्टी में, और फिलहाल आम आदमी पार्टी आम पार्टी ना रह के खास पार्टी हो गई है, जहाँ पर जातिवाद काफ़ी हावी है और आमजन की कोई पहचान नहीं है वहाँ पर, आज कुछ व्यक्ति विशेष की पार्टी रह गई है। इस वजह से जो नीति थी देशभक्ति की, उससे उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं और मेरे जितने भी साथी हैं वो आज आम आदमी पार्टी से अपना त्याग पत्र। तो मान साहब इतना कुछ आपको दिया, इतना हरियाणा का डेजिग्नेशन दिया, आपको पद मिला, फिर भी तो आप आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं? पंजाब ने सरकार लेके आए उनको क्या दिया? पंजाब में जो सरकार लेके आए उनको क्या दिया? मुख्यमंत्री बनाया। जो आप राज्यसभा भेज रहे हो, आप छत्तीसगढ़ से भेज रहे हो आम आदमी पार्टी का, उनकी भी तो इच्छा ही होगी भाई पंजाब का होना चाहिए। पंजाब के वोट तो पंजाब वाले ने दिए, छत्तीसगढ़ वाले ने थोड़ा दिए। दिल्ली राठौर चड्ढा पंजाब से भेज दिया आपने, पंजाब वाले ने वोट दी होगी तो दिल्ली वाले ने थोड़ा दी है। आप वो आधी सीट खाली करवा के अपने आदमी सेटिंग कर दें, कल ना हरियाणा के अंदर सरकार आ जाइयो है। जो हम जो जनता वोट दे रही है, जो ख्वाब ले रहे हैं, आप यहाँ से मध्य प्रदेश से अर्चे राजस्थान तक यहाँ से भेज दियो, आप तो अपने अपने बंदे तो सेटिंग करने पर लगे। कांग्रेस में भी होती है, रणदीप सुरजेवाला को राज्यसभा सांसद बनाया, राजस्थान से बनाया ना, हरियाणा से बना सकते थे। वह तो जी अपनी अपनी पार्टी होती, अपने अपने नेतृत्व होते हैं, जो हम दराज स्तर पर देख रहे हैं हम तो उसकी बात करेंगे। तो अब किस तरह से अब करेंगे? अब आपने आम आदमी पार्टी तो छोड़ दी, चुनाव नजदीक है, किस पार्टी में आपने कहा हालांकि शायद कांग्रेस में जा सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं कि बिंदर मान भला अपने पुराने परिवार में शामिल हो सकते हैं, किस तरह की तैयारी है? जैसे हमारे गांव बड़ा में चौधरी देवीलाल भी कहीं पर आए हैं, राजनीति चली है करनाल जिले में, बहुत बड़ा गांव है, वहीं से राजनीति चली है। चौधरी बंसीलाल भी दो बार, बंसीलाल ने भी वहाँ पर टिकट दिया है, भजन लाल भी वहाँ से बहुत तकड़ी राजनीति, बड़े के नाम से तो जी रहे हैं लोग, बड़ा बहुत बड़ा गांव है। कितने वोट हैं वहाँ के? कितने वोट हैं? करनाल नहीं जी, हरियाणा का दूसरा गांव है बड़ा जी। कितने वोट हैं वहाँ से चले आप? 15,500 वोट हैं। अरे ये कहा जाता है कि सालवन गांव और बड़ा गांव जिसके साथ है वो वहाँ का एमएलए बनता है। मोर माजरा भी हमारा मानमोट है जी, बड़ा नहीं, मानपुरा भी है, तीन ग्राम लगातार हमारे, हम तीन ग्रामों की कम से कम वोट 16,000-17,000 वोट। अगर आपको अब सुशील गुप्ता जी, अशोक तंवर जी, डांडा जी या केजरीवाल जी अगर बुला के वापस करते हैं, घर वापसी करते हैं, आपकी नाराजगी दूर करते हैं, क्या आप वापस आओगे घर? मैं जिस आदमी को ना छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मैं वहाँ वापसी करूँ। कल्याण साहब क्या वापस आओगे दोबारा हमारी पार्टी में? नहीं वापस नहीं आएंगे जी। ऐसा क्यों? इतना मन बना लिया? मन बना लिया जी अब अच्छी तरह से, क्योंकि इनकी नीतियाँ समझ में अच्छी नहीं लगी। तो किसके जहाज पे सवार हो गए? चुनाव नजदीक है, देखते हैं सर, साथियों से सभी मिलके बैठ के, हवा तेज चल रही है, किसी न किसी जहाज पे तो सवार होना पड़ेगा, चुनाव नजदीक है, सलाह करेंगे सर फिर जैसा भी होगा। सलाह करी तो होगी, अभी आप हमसे नहीं बात करना चाह रहे? नहीं अभी चली हुई है सर, अभी फाइनल नहीं हुआ सर। फाइनल नहीं हुआ, चर्चाएं तो यही है कि शायद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, देखते हैं सर अभी जो रहेगा बताएंगे सर आप। तो बिल्कुल देखते हैं क्या रहता है, लेकिन बिंदर मान भला राजेंद्र कल्याण अपने साथियों के साथ, हालांकि अभी तो यहाँ 3-4 साथी हैं, लेकिन जब मान साहब ने एक प्रोग्राम किया था आम आदमी पार्टी को ज्वाइनिंग का प्रोग्राम किया था, काफी लोग थे आपके साथ जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी? जस्ट टाइम मैंने करनाल जिले में 2-3 हज़ार आदमियों की पार्टी ज्वाइन कर रखी है जी। तो क्या वो सभी छोड़ेंगे? सभी छोड़ेंगे जमा भी मैं, और जब भी मैं ज्वाइन कोई पार्टी करूंगा 2-4 हज़ार आदमियों के साथ करूंगा, मेरे में दम है, सब ने पता है पार्टी वाले में, हाँ ये कर देगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अब चुनाव नजदीक है, ऐसे में बिंदर मान बला की राजनीति कहां पर जाती है,
ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तो क्लियर हो चुका कि आम आदमी पार्टी को इन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया, कि अब आने वाले समय में क्या वापसी अपने कांग्रेस के पुराने परिवार में ये शामिल होंगे या किस में जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हरियाणा में अब चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में आयाराम गयाराम की जो राजनीति है वो तेज होती हुई नजर जरूर आ रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं बिंदर मानबला अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर किसी नई पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, और अकेले नहीं बल्कि अपने साथ जो 2-3 हजार 4 हजार कार्यकर्ता है उनके साथ जो है शामिल होंगे और जोरदार तरीके से एक बड़ा प्रोग्राम करके नेता के साथ जो है पार्टी को ज्वाइन करेंगे। कमल मिड्डा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।